हेलो फ्रेंड, दिस इज देवेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग ऑसम डोरा। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आप इस एनिमेशन को दूसरी जगह पे प्ले करा सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा करेक्टर है, तो मैंने एक सिंपल सा एनिमेशन बनाया है इसके लिए, तो सिंपल सा एनिमेशन है। देन अगर मैं इस कंट्रोलर को यहाँ पे, इस करेक्टर को यहाँ पे लाता हूँ, देखिए बॉल वहीं पे हमारी रह जा रही है, करेक्टर तो आ जा रहा है और एनिमेशन देखिए इस तरीके से प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन हमारा, कि बॉल भी यहाँ पे आ जाए और एनिमेशन भी ठीक प्ले हो। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो स्फेयर है, स्फेयर का आपको एक चीज़ ध्यान करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेन कंट्रोलर कभी की ना लगाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बॉल को पकड़ूंगा, स्फेयर को, देन इसको मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप बनाने के बाद मॉडिफाई पे जाएंगे, देन इसको सेंटर पिवट कर देंगे। ये हो गया। इतना होने के बाद अब जो स्फीयर का जो मैंने ग्रुप बनाया था, तो ये रहा वो। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर का मेन कंट्रोलर पकड़ूंगा, देन जो स्फीयर का मैंने ग्रुप बनाया था कंट्रोल दबा के उसको पकड़ूंगा। इतना करने के बाद मैं कंस्ट्रेंट पे जाऊंगा, देन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पैरेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। पैरेंट पर क्लिक करने के बाद आपको स्फीयर को चूज करना है और वहाँ पे एस प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया ब्लेंड पैरेंट वन। अब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें वन कर देना, ठीक है। वन करने के बाद अब मैं कैरेक्टर का मेन कंट्रोलर पकड़ूंगा, देन अब ऑब्जेक्ट को मैं मूव करूंगा। तो देखिए हमारे साथ बॉल भी मूव हो रही है, अब वो दिक्कत नहीं आ रही पहले वाली। देन अब देखिए एनिमेशन आपका यहाँ नॉर्मल प्ले देखिए हो रहा है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को कैरेक्टर के साथ कहीं भी मूव करा सकते हैं और एनिमेशन कर सकते हैं।